हेलो एंड वेलकम, दिस इज कविता एंड यू आर वॉचिंग ए माई मेड इजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेड डी के बारे में, क्या ग्रेड डी पास है या फेल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि अगर उन्हें ग्रेड डी मिला है तो क्या वो पास है या फेल है। तो हम इस वीडियो में ग्रेड डी के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि ग्रेड डी किस क्राइटेरिया में पास है और किस क्राइटेरिया में फेल है। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि सबसे ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अगर एक कंप्लीट पास चाहिए सेक्शन ए में तो आपकी जीपीए होनी चाहिए 6 या 6 से ज़्यादा, तभी ही आप एक कंप्लीट पास हो पाओगे सेक्शन ए में। अगर आपकी जीपीए जो है 6 से कम है तो आप सेक्शन ए को पास नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पास होने के लिए आपकी CGPA जो है टोटल CGPA 6 या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं हम मार्क्स और मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड और GPA क्या है। अगर आप स्कोर करते हो 75 से 100 के बीच में मार्क्स तो आपको ग्रेड मिलेगी H एंड आपकी GPA हो जाएगी 10। और अगर आप स्कोर करते हो 66 से 74 के बीच में तो आपकी ग्रेड होगी A और आपकी GPA होगी 9। अगर आपको मिलते हैं 60 to 65 के बीच में मार्क्स तो आपकी ग्रेड होगी B और GPA होगी 8। उसी तरह 50 से 59 के बीच में मार्क्स मिले तो आपकी ग्रेड होगी C और GPA होगी 6। उसी तरह से अगर आपकी स्कोरिंग है 35 to 49 के बीच में तो आपकी ग्रेड होगी D और आपकी GPA होगी 5। और उसी तरह से अगर आपको 20 to 34 के बीच में मार्क्स मिले हैं तो आपकी ग्रेड हो जाएगी E और इसमें आपको कोई भी GPA नहीं मिलेगी। और उसी तरह से अगर आप स्कोर कर रहे हो 0 to 19 के बीच में तो भी आपको ग्रेड मिलेगी F और इसमें भी आपको GPA नहीं दी जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रेड डी के बारे में। तो ग्रेड डी क्या है और हम ग्रेड डी को किस तरह से देखेंगे, एक पास या एक फेल। सबसे पहली बात तो ये है कि ग्रेड डी जो है वो हमेशा आपकी लेटेस्ट अटेम्प्ट को ही कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने लेटेस्ट कोई एग्ज़ाम दिया हो और आपको उसमें ग्रेड डी मिली है तो वो ही कंसीडर किया जाएगा। आपके प्रीवियस अटेम्प्ट्स की ग्रेड को, ग्रेड डी को हम कंसीडर नहीं करते हैं कहीं पर भी। सो ग्रेड डी जो है वो हमेशा लेटेस्ट अटेम्प्ट वाली ग्रेड डी को ही कंसीडर किया जाएगा। तो जैसा कि हमने पहले देख चुका है कि मिनिमम जीपीए होना चाहिए 6 या 6 से ज़्यादा अगर आपको एक कंप्लीट पास चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेड डी का जो है वो क्या रोल है। अब ग्रेड डी को हम पास मान सकते हैं अगर हमारी टोटल जीपीए 6 या 6 से ज़्यादा है। ये कैसे हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मिलती है CCCC, आपको सभी सब्जेक्ट में मिली है C, तो आप यहाँ पे पास हो जाते हो क्योंकि आपकी जो टोटल GPA है वो 6 हो जाती है। अगर आपको मिलती है CCC और D, तो यहाँ पे आपको D जो है वो आपको पास नहीं दिलवा सकती है, आप यहाँ पे फेल होते हो क्योंकि आपकी GPA जो है वो 6 से कम हो जाती है। आपकी टोटल GPA होगी 5.75 जो कि 6 से कम है, इसलिए आप यहाँ पे कंप्लीट एक पास नहीं हो पाओगे सेक्शन ए पे। और अगर आपको मिलती है CC, B और D, आपको दो सब्जेक्ट में मिले हैं C, एक में मिली है B और एक में मिली है D, यहाँ पे D मिलने के बावजूद आप पास हो जाओगे क्योंकि आपकी टोटल जो CGPA है वो B मिलने की वजह से थोड़ी सी बढ़ गई है और वो 6 से ज़्यादा हो गई है, 6.25। इसलिए यहाँ पे D मिलने के बावजूद भी आप पास हो जाओगे। और अगर आपको मिलती है CP, D, D, किसी एक सब्जेक्ट में आपको मिली है C, किसी एक सब्जेक्ट में आपको मिली है B और किसी दो सब्जेक्ट में अगर आपको D भी मिले तो भी आप यहाँ पे पास हो जाओगे। दो सब्जेक्ट में D मिलने के बावजूद आप पास हो जाओगे यहाँ पे क्योंकि आपकी जो CGPA है, टोटल GPA जो है वो आपकी टोटल 6 हो जाती है, 6.855। ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पे टोटल जो आपकी GPA है वो 6 हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे पास हो जाओगे। तो इसी तरह से आपको कुछ भी ग्रेड मिले तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आप पास हो या फेल हो।
अगर हमें ग्रेड्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे हम करेंगे? ये भी बहुत सिंपल है, जैसे सभी जगह पे होता है ग्रेड्स को हम करते हैं कन्वर्ट, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। आपको सी सी अगर बी और ए मिलता है फॉर एग्जांपल किस सेक्शन ए के एग्जाम में, तो आपकी परसेंटेज क्या होगी? सी दैट मीन्स 59, 59 59, बी दैट मीन्स 65 और ए मीन्स 84। सो अगर हम ये टोटल कैलकुलेट करके आपको डिवाइड कर देना है 4 से, क्योंकि आपकी टोटल सब्जेक्ट्स 4 है, तो आपकी परसेंटेज हो जाती है 66.75%। तो ये थी ग्रेड बी। जो उम्मीद है कि आपको आपकी कंफ्यूजन जो है इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहें।